हेलो दोस्तों, मैं तरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है। तो दोस्तों, अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि हमारे साथ कभी भी इस इंडस्ट्री में, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमारे साथ कभी भी फ्रॉड ना हो, तो प्लीज़ आप हमारी इस वाली वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करें। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉड। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो आपको खुद मिल जाएगा, मुझसे या किसी भी दूसरे पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर काम करते हो या फिर किसी कंपनी में आप जॉब करते हो या फिर किसी भी पर्सन के लिए आप काम करते हो, तो आपको पैसे दिए जाते हैं, ना कि आपसे पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई भी आपको एक्टिंग में काम दिलवाने के लिए पैसा मांगता है कि हम आपको मूवी में काम दिलवा देंगे, हम आपको टीवी सीरियल में काम दिलवा देंगे या फिर हम आपको वेब सीरीज में काम दिलवा देंगे, आपको 25,000 या 50,000 रुपये जमा करना होगा या फिर आपको 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई आपसे एक्टिंग कराने के लिए पैसे क्यों मांगेगा कि आप हमें पहले 50,000 दो तो हम आपको रोल दिलाते हैं। तो भाई, ऐसा नहीं होता और बहुत लोग फंस जाते हैं और रोल की कोई गारंटी नहीं होती और मोस्टली ऐसे लोग फ्रॉड निकलते हैं। हाँ, अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे कमीशन चाहिए जो मैं काम दिलवाऊंगा उसके बाद, तो मोस्टली ऐसे लोग जेन्युइन हो सकते हैं, तो आप लोग उन्हें कमीशन दे दीजिए। लेकिन वो कमीशन आप उन्हें तब दें जब आपको काम मिल जाए और आपकी पेमेंट आ जाए। ऐसा नहीं उसने बोला कि मुझे कमीशन चाहिए और मैं आपको काम दिलवाऊंगा, मैं आपको 5 लाख का काम दिलवाऊंगा, आप मुझे 50,000 अभी दे दीजिए, तो प्लीज़ बिल्कुल मत देना, आप लोग फंस जाओगे। बल्कि आप उसे उल्टा यह बोलो कि आप हमें काम दिलवाओ, जब मेरे 5 लाख का चेक आ जाएगा तो मैं आपको 50,000 रुपये इमीडिएटली दे दूँगा। और अगर वो ना करता है तो वो फ्रॉड, अगर वो हाँ करता है तो जेन्युइन। देखिए, जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो कभी भी ऐसा पॉइंट लेते ही नहीं कि आप पहले हमें पैसा दीजिए फिर हम आपको काम दिलाएंगे, बल्कि वो आपको उल्टा यह बोलते हैं कि आप पहले काम करिए, जब आपकी पेमेंट आ जाए तब आप हमें पैसा दे देना। नंबर 2, दोस्तों ये जो लोग हैं ना, ये आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखलाते हैं कि 20 लाख का असाइनमेंट है, 30 लाख का असाइनमेंट है, 50 लाख का असाइनमेंट है, ब्रांड के लिए सूट है, हम आपको अब्रॉड लेकर जाएंगे, मैं आपको 20 लाख दिलवा दूंगा, मैं आपको 30 लाख दिलवा दूंगा, और आपने कोई काम किया ही नहीं आज तक, तो समझिए कि वो फ्रॉड है। आप खुद सोचिए कि आपकी कोई भी वर्क प्रोफाइल नहीं है, कोई आपको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का असाइनमेंट नहीं दिलवा देगा। तो फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं है, प्लीज़ आप इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। नंबर 3, दोस्तों ये जो कैटेगरी है ना, ये बहुत खतरनाक है, आप लोग इनसे बहुत बहुत सावधान रहिएगा। ये लोग ना आपको काम दिलवाने की बात करते हैं और आपसे पैसा भी नहीं लेते और आपको कॉल या मैसेज कर करके मजबूर करते हैं मिलने के लिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिन्हें आपसे पैसा नहीं चाहिए होता और वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको काम दिलवा देंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ और ही चाहते हैं, तो प्लीज़ आप खुद ही समझिए। तो दोस्तों, मेरी तो आपको यही एडवाइस है कि अगर कोई आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंकली होने की कोशिश कर रहा है और आपको बार बार कॉल या मैसेज कर रहा है, तो समझिए कि वो बंदा फ्रॉड है, प्लीज़ आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी कुछ सिचुएशंस फ्रॉड से बचने के लिए, तो प्लीज़ आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखना और फ्रॉड से हमेशा बचे रहना। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई हैं इस इंडस्ट्री के बारे में फ्रॉड से बचने के लिए। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मुझे जितना भी ज्ञान था फ्रॉड से बचने के लिए, वो सारा मैंने आपको दिया। तो चलिए हम चलते हैं। तो बस आप हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।